विक्टोरिया में 13 से 15 सितंबर तक चौथे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन होगा और इसके लिए पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। वहीं आयोजन की तैयारियों को लेकर रामबाग पैलेस में स्टेक होल्डर मीट का आयोजन किया गया। RDATM के प्रतिष्ठित स्टेक होल्डर्स ने प्रदेश के पर्यटन परिदृश्य को मिलने वाली विविध लाभों की जानकारी दी। इस वर्ष RDATM की थीम वेडिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और इवेंट रखी गई है। इसमें 200 से ज्यादा एग्जिबिटर्स, 1300 से ज्यादा बायर्स और 7000 से ज्यादा विजिटर्स के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। स्टेक होल्डर मीट में पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, निदेशक पर्यटन डॉक्टर रश्मि शर्मा, प्रेसिडेंट ऑनर FHTR भीम सिंह, FHTR के अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला, ताज ग्रुप के राजस्थान एरिया डायरेक्टर अशोक राठौड़ और FHTR के जनरल सेक्रेटरी CA वीरेंद्र सिंह शेखावत ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि राजस्थान पर्यटन अपने शीर्ष पर है। बीते साल 18 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए और इस साल यह आंकड़ा 24 करोड़ के आसपास होगा। ऐसे में जल्द ही प्रदेश में टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया जा सकता है। वहीं FHTR के प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह चंदेला ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन से जुड़े स्टेक होल्डर्स भी पर्यटन विभाग के साथ पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट के स्वरूप को आगे बढ़ाया जाएगा। RDATM एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो पूरे कंट्री के ट्रैवल और टूर ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर आए और यहाँ पे जो हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के जो इंचार्जेस हैं, हमारे यहाँ के टूर ऑपरेटर्स हैं, उनसे एक B2B मीटिंग का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म की तरह उभर करके आया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारा ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार है वो इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स का प्लेटफॉर्म है, उसी तरह से राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट नेशनल टूर ऑपरेटर्स के लिए है। इस बार के एडिशन में हम जो मोदी जी का विजन है वेड इन इंडिया और उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और उस राजस्थान में जो अपॉर्चुनिटीज़ वो देख रहे हैं वेडिंग्स के लिए, क्योंकि यहाँ राजस्थान में बड़ी बड़ी होटल्स आ रही हैं वेडिंग्स के लिए और राजस्थान में अच्छी वेडिंग्स होने लगी और हर बजट की वेडिंग्स होने लगी है। इसलिए अब हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर वेडिंग टूरिज़्म में इजाफा हो, लेजर टूरिज़्म में इजाफा हो, बिज़नेस टूरिज़्म में इजाफा हो, मेडिकल टूरिज़्म में इजाफा हो, हर प्रकार के टूरिज़्म में और जो बॉर्डर टूरिज़्म है उसमें इजाफा हो।